आज हम सॉल्व करेंगे टैली टेस्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, क्रिएट अ कंपनी नेम विद कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड विथ योर स्टूडेंट कोड फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17, एड्रेस बख्शीपुर गोरखपुर, और पैन नंबर है, टैन नंबर है, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आइए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे, और हमारी कंपनी जो बननी थी वो कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यहाँ पे होगा एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि एड्रेस दिया हुआ है बख्शीपुर गोरखपुर। और स्टेट उत्तर प्रदेश, ये हमारी कंपनी बन गई। देन अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र, यानी लेज़र हमें क्रिएट करना है। पहला एक्सिस बैंक, दूसरा कैश इन हैंड, और कैपिटल है जो रिमेनिंग बैलेंस। अब कैपिटल रिमेनिंग बैलेंस क्या होता है, तो आइए पहले टैली में क्रिएट करते हैं लेज़र। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में, देन क्रिएट में। सबसे पहले हमें बनाना था एक्सिस, एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कोई भी उनका अकाउंट नंबर डाल देंगे। और इनका जो बैलेंस था वो 7,20,000 बैलेंस फिल कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब दूसरा हमारा लेज़र था कैश का, तो कैश ऑलरेडी से पहले से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं, अल्टर में जाके बस बैलेंस चढ़ा देंगे कैश में। और यहाँ पे सिर्फ बैलेंस, जैसे इसका 2,50,000 रुपये बैलेंस दिया, वो बैलेंस हम फिल कर देंगे। इसको एक्सेप्ट कराने के बाद अब हमें जो लेज़र बनाना था वो कैपिटल का बनाना था, तो यहाँ पर कैपिटल का एक लेज़र बनाएंगे, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में कैपिटल का जो बैलेंस है वो कहा गया है कि रिमेनिंग बैलेंस, तो रिमेनिंग बैलेंस कहते हैं किसे कहते हैं, जो भी डिफरेंट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के जो भी डिफरेंट बैलेंस आता है वही रिमेनिंग बैलेंस होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में डिफरेंट दिखा रहा है 9,70,000 रुपया, तो यहाँ पर यही हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पर 9,70,000 फिल कर देंगे। ये देखिए अब डिफरेंस इसका हट गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट, हमें ये डॉक्यूमेंट को देख के एंट्री पास करनी है। अब ये एंट्री पास करने डॉक्यूमेंट देखना है कि ये मैसेस मेहता ब्रदर का बिल है, किस पे बनवा, इनवाइस टू कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये हमारे ऊपर बिल बना है, यानी इससे ये पता चलता है कि हमने ये परचेस किया है। परचेस और ये बिल नंबर है, डेट है, क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज भी 15 डेज दिया है, यानी जब हम बिल बनाएंगे और जब इसका लास्ट में बिल चढ़ाएंगे तो 15 डेज क्रेडिट डेज डाल देंगे। देन अब हम आइटम खरीद रहे हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, जिस पे वैट भी लगा हुआ है, अलग अलग वैट लगा है, तो डिफरेंट वैट रेट का केस है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नया है, जैसे कि ऐड किया गया है वैट एट द रेट ऑफ 12%, वैट एट द रेट ऑफ 14.5%। तो वैट का हम जो लेज़र बनाते हैं, जो हम वैट काटते हैं, वो सिर्फ एक लेज़र बनता है और उसी पर पूरा टोटल का अमाउंट वैट काट के यहाँ पर डिफाइन कर देता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में अलग अलग रेट का अमाउंट डिफाइन करना है, जैसे कि मॉनिटर का अगर 12% है तो सिर्फ यहाँ पे मॉनिटर का ही, जैसे 3,25,000 का है तो उसका ही 12% सिर्फ आए, और 14.5 का तो 14.5 का अलग अलग आए। तो इसके लिए जब वैट का अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हो तो हम टैली में सबसे पहले वैट क्लासिफिकेशन बनाते हैं। सबसे पहले ये वैट का केस है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराएंगे। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और F11 प्रेस करेंगे और स्टेचरी एंड टैक्सेशन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इस फीचर को यस कर देंगे, और सेट अल्टर वैट डिटेल, इस फीचर को भी यस कर देंगे। और टिन नंबर उत्तर प्रदेश की हमारी कंपनी है, टिन नंबर 09 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे डिफाइन वैट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल एज अ मास्टर, इस फीचर को यस कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा फीचर इनेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। पहला तो परचेस करने से पहले ये देखिए यहाँ पे कहा गया कि अलग अलग वैट लगे, तो वैट का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो हम सबसे पहले वैट का क्लासिफिकेशन करेंगे। वैट का क्लासिफिकेशन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे स्टेचरी इन्फो में चले जाएंगे। स्टेचरी इन्फो में यहाँ पे आपको मिलेगा वैट क्लासिफिकेशन, वैट क्लासिफिकेशन में जाएंगे, फिर आपको नया वैट बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट में चले जाएंगे। क्रिएट में जाएंगे और सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है वैट एट द रेट ऑफ 12%, इसके नाम से बनाएंगे। ये कब से अप्लीकेबल होना चाहिए, तो 1/4 से अप्लीकेबल होगा,
और यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अब नेक्स्ट बनाएंगे आप वैट एट द रेट ऑफ 14.5% के नाम से, ये भी एक चार्ज से एप्लीकेबल होगा और वैट का रेट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, देन एक्सेप्ट। फिर हम यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करें, हाँ फिर यहाँ पे हम वैट एट द रेट ऑफ 5% के नाम से एक क्लासिफिकेशन बना देंगे, यहाँ पे रेट डिफाइन कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। देन एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम जाके सिंपल परचेस में इसकी एंट्री कर देंगे। सिंपल परचेस में एंट्री करने के लिए देखिए, पहले सबसे पहले हमारे क्रेडिटर थे मैसेस मेहता ब्रदर जो इस क्वेश्चन में है, ये हमारे सैंडी क्रिएटर है, क्रेडिट डेज दिया और ये आइटम हमें ख़रीदना है। तो आइए परचेस में एंट्री करते हैं। परचेस में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और परचेस की शॉर्टकट की होती है F9, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट हमारा जो है वो 1/4 का ही है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है 1/4। यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर जो उनका दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर ये फिल कर देंगे जैसा ये क्वेश्चन में कहा गया हो। तो यहाँ पे परचेस 001 का हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं और पार्टी अकाउंट नेम है तो यहाँ पे एल्ट सी प्रेस करेंगे और पार्टी का लेज़र बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में मैसेस मेहता ब्रदर के नाम से बनाना है। अंडर सैंडी क्रिएटर, जब भी हम किसी से परचेज करते हैं, किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं तो हमारा सैंडी क्रिएटर होता है। एंटर, और यहाँ पे बस सेट अल्टर वैट डिटेल इस फीचर को यस कर देंगे। यहाँ पे अगर वो वैट हमें काट रहा है, हमारे ऊपर वैट लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रेगुलर डीलर होगा और यहाँ पे जब रेगुलर हुआ तो उसका ज़रूर टिन नंबर होगा। एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछा परचेस लेज़र, तो यहाँ पे हम परचेस का लेज़र बना लेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और परचेस का लेज़र बनाएंगे। परचेज अंडर परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये हमेशा परचेज और सेल के वाउचर में यस रखते हैं। यहाँ पे इस वैट CST अप्लीकेबल कर देंगे और इस फीचर को नो करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें जो आइटम खरीदना है उस आइटम को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और सबसे पहला आइटम बनाएंगे मॉनिटर। अब जो हम मॉनिटर जैसे आइटम बनाते थे और वैट का केस होता था तो हम यहाँ पे डिफाइन करते थे, लेकिन ये वैट क्लासिफिकेशन हम पहले से कर चुके हैं तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट पूछा है तो यूनिट बनाएंगे, यूनिट जैसे पीस में हम खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैट अप्लीकेबल, यहाँ पे अप्लीकेबल करा देंगे और सेट अल्टर वैट डिटेल इस फीचर को यस कर देंगे। अब हमें जब आइटम पे, जिस आइटम पे हमें रेट डिफाइन करना होता था तो हम यहाँ पे टैक्स रेट में यहाँ पे डिफाइन कर देते थे, लेकिन हम पहले से क्लासिफिकेशन बना चुके हैं मॉनिटर के लिए जो 12% था उसका भी डिफाइन कर दिए हैं, प्रिंटर के लिए भी और CPU के लिए भी, तो हम सारी जितने भी आइटम थे उनका हमने पहले से वैट क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ भी आपको परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जो क्लासिफिकेशन बनाया था यहाँ पे आप उसकी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है तो यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और जिस रेट से जिस आइटम पे लग रहा था उस क्लासिफिकेशन को आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे मॉनिटर पे 12% लग रहा था तो यहाँ पे वैट एट द रेट ऑफ 12% लेके एक्सेप्ट करा देंगे। देन अभी हम खरीद रहे हैं जैसे कि 50 पीस, रेट हमारा है 6500 डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे फिर अल्ट सी प्रेस करेंगे और देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम था प्रिंटर, ये भी पीस में होगा और यहाँ पे एप्लीकेबल और सेट अल्टर वैट डिटेल यस। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में सिर्फ हम क्या कर देंगे वैट एट द रेट ऑफ 12.5% डिफाइन कर देंगे। ये जैसे हमारा 25 पीस है सॉरी और इनका रेट है 8200। एंटर। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे CPU, यहाँ पे भी पीसेस ले लेंगे, यहाँ एप्लीकेबल सेट अल्टर वैट डिटेल यस और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में वैट एट द रेट ऑफ 5% ले लेंगे। अब आपने यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन नहीं किया, लेकिन जब आप इसको टेक्स देखेंगे तो इस पर टेक्स ऑटोमेटिक कट गया होगा। जैसे कि टेक्स देखने के लिए हम प्रेस करते हैं अल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपको टेक्स बता देगा कि देखिए CPU पे 5% के हिसाब से ये रेट कटा। अब जो हमें यहाँ पे वैट लगाना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वैट लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम यहाँ पे वैट लगाते हैं ऑटोमेटिक, हम जैसे एक वैट का लेज़र बनाते हैं अल्ट सी और वैट अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस डालते हैं तो, और वैट डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा टोटल का टोटल
ये वैट काट लेगा, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें जो करना है, जैसे इस वाउचर में लगा हुआ है वैट एट द रेट ऑफ 12%, वैट एट द रेट ऑफ 4.5%, और बैलेंस भी सेम आना चाहिए, क्योंकि ये जो वैट 12% डिफाइन है वो किस पे है, सिर्फ मॉनिटर पे ही ये 12% कटा हुआ है, ये नहीं कि पूरे टोटल अमाउंट का 12% कटा है। तो इसी के लिए हमने जो क्लासिफिकेशन बना दिया है, अब सिर्फ हमें नाम के साथ लेज़र बनाना है। जैसे कि हम इसी को सही कर लेते हैं, सबसे पहले कंट्रोल एंटर प्लेस करेंगे, अब यहाँ भी इसका नाम अलग रखेंगे, जैसे कंट्रोल एंटर और डिफाइन कर देंगे वैट एट द रेट ऑफ 12%, यहाँ डिफाइन करेंगे ड्यूटी इंडेक्सेस वैट, और यहाँ पे बस डिफाइन कर देंगे रेट को, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा 12% सिर्फ और सिर्फ 325,000 का काट लिया। नेक्स्ट इसी तरह हम फिर वैट का एक लेजर बनाएंगे, वैट एट द रेट ऑफ 14.5%, और ड्यूटी इंडेक्सेस यहाँ पे वैट ले लेंगे, और यहाँ पे रेट डिफाइन कर देंगे वैट 2.5%, एक्सेप्ट करा देंगे, ये देखिए हमारा वैट डिफाइन हो गया। देन हम बनाएंगे वैट एट द रेट ऑफ 14.5%, ड्यूटी इंडेक्सेस वैट, और यहाँ पे रेट डिफाइन कर देंगे एक्सेप्ट। ये देखिए सेम हम मैच करा सकते हैं, कि जैसे देखिए पहले 39,000 है, फिर 29,725 है, फिर 42,000, तो यहाँ पे भी ये टैक्स भी सेम कटा हुआ है, इसीलिए हम वैट का क्लासिफिकेशन बनाते हैं। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, बस यहाँ पे ड्यू डेट जो हमारा दिया था क्वेश्चन में 15 डेज का क्रेडिट दिया था, तो यहाँ पर हम 15 डेज डिफाइन कर देंगे एंड एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है पास द एंट्री बाय द वैलिड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ देखिए ये जो बिल बन रहा है क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और बख्शीपुर गोरखपुर, और किसको बनना है, इनवॉइस टू मैसेस राहुल एजेंसी, यानी जो बिल बना रहा है वो हम बना रहे हैं, यानी क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड बिल को इश्यू कर रहा है, तो यानी हम सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, मैसेस राहुल एजेंसी को। और यहाँ पे देखिए इनका CST नंबर दिया है, और मैसेस राहुल एजेंसी जो है वो कोलकाता और वेस्ट बंगाल के हैं, और यहाँ पे देखिए हमने जो आइटम सेल किया है जैसे कि मॉनिटर प्रिंटर CPU, ये क्या, अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमने मॉनिटर जब खरीदा था तो वैट उस पर चार्ज हुआ था, तो जब हम इसको सेल करेंगे तो वैट चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए CST चार्ज हुआ है, तो CST कब चार्ज होता है, जब हम किसी पार्टी को अदर स्टेट से सेल या परचेस करते हैं तब CST चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और हमने सेल किया है कोलकाता वेस्ट बंगाल को, तो ये सिर्फ पार्टी बदलने की वजह से यानी स्टेट बदलने की वजह से यहाँ पे वैट नहीं लगेगा बल्कि CST लगेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सिंपल आप सेल करेंगे और सेल करने के बाद बस पार्टी के लेजर में ये बता देंगे कि ये पार्टी कहाँ की है, जैसे आप इस लेजर को डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिक CST कट जाएगा, वैट नहीं कटेगा। तो चलिए आइए इसको टैली में हम देखते हैं, पर सब सेल करेंगे, सेल के शॉर्टकट के ये पैट, जैसा कि इनवॉइस नंबर वहां पे दिया होगा तो हम इनवॉइस नंबर डिफाइन कर देंगे 001, और इनका डेट जो था वो डेट डिफाइन कर देंगे 2/4 में था, और पार्टी अकाउंटिंग तो मैसेस राहुल एजेंसी के नाम से एक लेजर बनाएंगे, और जब भी हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो वो हमारा स्टैंडिंग डेटर होता है, यहाँ पे स्टैंडिंग डेटर ले लेंगे, और यहाँ पे बस आप ध्यान दीजिएगा सेट अल्टर वेट डिटेल, ये भी ध्यान देना, और सबसे पहले मैसेस राहुल एजेंसी है कहाँ का, ये तो ये इंडिया में है लेकिन इसका स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ले लेंगे, और यहाँ पे सेट अल्टर वेट डिटेल इस फीचर को यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे यहाँ पे देखिए CST नंबर भी आ रहा है, तो टाइप ऑफ डीलर में हम रेगुलर ले लेंगे, वैट का टिन नंबर भी डाल देंगे, अब यहाँ पे जो कोलकाता का टिन नंबर होता है वो 19 से स्टार्ट होता है, तो 19 से स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे CST नंबर जो टिन नंबर होगा वही CST नंबर कर देंगे हम, ये भी 11 डिजिट का होता है, और यहाँ पे सेल परचेस अगेन फॉर्म से इस फीचर को यस कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें यहाँ पे सेल का लेजर बनाना, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और सेल्स का एक लेजर बनाएंगे, सेल अंडर सेल अकाउंट, और यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड यस, और इज वैट अब्लिक CST अप्लीकेबल कर दीजिए, और सेट अल्टर वैट डिटेल को नो रख दीजिएगा, इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें सिंपल सा मोनिटर सेल कर देना है, जैसे मॉनिटर हमने सेल किया 10 पीस 9,200 की रेट से, आइटम डिफाइन करते जाएंगे, फिर हमने प्रिंटर सेल किया है, सॉरी प्रिंटर, तो यहाँ पे प्रिंटर डिफाइन कर देंगे, प्रिंटर जैसे हमने 5 पीस सेल किया है 10,500 की रेट से,
और फिर उसके बाद CPU 5 पीस और ये हमारा जो है 6500 इंटेल रिफाइन के लिए। अब हमें टिक्स देखना है, वेट करता है कि स्टिक, तो यहाँ पे आप अल्ट ए प्रेस करिएगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इंटर स्टेट सेल अगेंस्ट फॉर्म सी 2% कटा हुआ है, तो यानी जो हमारे ये सी कटा है वो 2% कटा है। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस एक सी का लेज़र बनाएंगे, अल्ट सी भरेंगे और सी एस रेट ऑफ 2% के नाम से लेज़र बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ पे CST ले लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में एंटर एक्सेप्ट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, प्रेस करिएगा और यहाँ पे सी फॉर्म रिसीव हुआ है, कोई फॉर्म सीरियल नंबर और यहाँ पे फॉर्म नंबर डाल लीजिएगा और डेट जो जिस डेट में आप सेव कर रहे हैं, ये हमारी एंट्री कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए इसको क्रेडिट डेज कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एंटर एक्सेप्ट करा रहे हैं, ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी डॉक्यूमेंट को देख के ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए रेंट रिसिप्ट हुआ है, किसको रिसिप्ट हुआ है, निहाल चल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से, किससे रिसीव हुआ है, तो केस्टल प्राइवेट लिमिटेड, यानी हम हमारे ऊपर ये बिल बना हुआ है, रेंट रिसिप्ट तो इनको हुआ है निहाल चल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को, और ये केस्टल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है तो ये हमारे ऊपर बिल बनी है, तो बिल रिसीव हमें हुआ है। अब देखिए बिल किस चीज़ का रिसीव हुआ है, तो रेंट का हुआ है, वो भी 3 महीने का, जैसे 1/1/2016 से लेके 31/3/2016 तक का ये रेंट है और रेंट जो है वो 215,000 है, 215,000 है उस पर देखिए हमारे ऊपर सर्विस टैक्स कटा है, तो यानी ये जो कंपनी है ये सर्विस टैक्स की भी कंपनी, ये सर्विस टैक्स इस पर एप्लीकेबल होता है, तो इसने सर्विस टैक्स चार्ज किया है हमारे ऊपर, तो सर्विस टैक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल पूरा हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ और है, TDS डिडक्टेड, TDS भी कटा है, तो यानी इस वाउचर से ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल का क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स विथ TDS का क्वेश्चन है। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए TDS कटा किस पे है, तो TDS जो कटा है वो ग्रॉस टोटल यानी 24,750 पे 247,250 पे 24,725 रुपये कटा है, तो यानी रेंट तो पहले तो जो होता था TDS कटता था वो एक्सपेंस पे कटता था, जितना हमारा एक्सपेंस होता था उस पे TDS कटता था, तो रेंट जो है वो 215,000 है, 215,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो होगा 21,500, लेकिन ये टोटल पे निकला है, टोटल पे TDS कटा है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा TDS कटा हुआ है वो सर्विस टैक्स कृषि कल्याण और स्वच्छ भारत की अमाउंट पे भी कटा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आइए टैली में देखते हैं। सबसे पहले सर्विस टैक्स का फीचर इनेबल कराएंगे और TDS का फीचर इनेबल कराएंगे, तो आइए टैली में करते हैं। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऐप टैली पे जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे और स्टेच्यू एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल सर्विस टैक्स, इस फीचर को यस कर देंगे और सेट अल्ट्रा वेट टेक्निकल को यस कर देंगे और यहाँ पे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पे रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे डिफाइन सर्विस कैटेगरी एंड टैक्स डिटेल एज अ मास्टर, इस फीचर को यस कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे इनेबल टैक्स डिडक्टेड सोर्स यानी TDS का भी हमें फीचर इनेबल कराना है, ये फीचर को यस करेंगे और सेट अल्टर TDS डिटेल को भी यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसा कि होता है 4 अल्फाबेटिक होता है, 5 नंबरिक होता है और फिर 1 अल्फाबेटिक होता है, कुछ नहीं यहाँ पे बस सीधे एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा फीचर दोनों इनेबल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ सर्विस टैक्स रहता तो ये एंट्री हमारी परचेज में होगी, लेकिन इसमें सर्विस टैक्स विद TDS का केस है तो इसलिए ये एंट्री हम जनरल में करेंगे, तो आइए जनरल में एंट्री करते हैं। जनरल में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जनरल की शॉर्टकट की F7 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो जो हमारा खर्चा होता है हम उसको डेबिट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और रेंट के नाम से एक लेज़र बनाएंगे, रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स अप्लीकेबल किया ना, इस रेंट पे सर्विस टैक्स अप्लीकेबल कराना है तो हाँ इस क्वेश्चन में अप्लीकेबल कराना है, यहाँ पे अप्लीकेबल करा दीजिएगा और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस कराइएगा और यहाँ पे कैटेगरी एक बना लीजिएगा रेंट के नाम से और यहाँ पे सर्विस टैक्स डिफाइन कर दीजिएगा
स्वच्छ भारत डिफाइन करिएगा और कृषि कल्याण भी डिफाइन कर दीजिएगा। और यहाँ पे इस TDS अप्लीकेबल, क्या इस एक्सपेंस पे TDS भी अप्लीकेबल कराना है? तो हाँ, इस TDS पे हमें इस एक्सपेंस पे TDS भी अप्लीकेबल कराना है। तो इस फीचर को यस करेंगे, यहाँ पे पहले अप्लीकेबल कराएंगे और फिर यहाँ पे जो नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा वो न्यू कैटेगरी बनाएंगे रेंट के नाम से। और इसका जो सेक्शन होता है 194I डिफाइन कर देंगे। और इसका रेट जो होता है वो 10% होता है, जैसा कि क्वेश्चन में कटा हुआ है। और इनकी एग्जम्पशन लिमिट होती है वो 180,000 होती है। अगर यही रेंट जो होता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे होता तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 2% होता है, लेकिन ये बिल्डिंग पे है इसलिए 10% डिफाइन होगा। एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हम उसका अमाउंट डिफाइन करेंगे, जैसा कि उसका अमाउंट है 215,000 रुपये। अब इस रेंट पे हमारा क्या हुआ है, सर्विस टैक्स कटा है। तो सर्विस टैक्स जो कटा है वो रेंट के जो हमारे एक्सपेंस हो उसमें जुटना चाहिए। तो ये देखिए 215,000 पूरा डेबिट हो गया, तो अब इसको और जोड़ना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्विस टैक्स को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे और यहाँ पे एक बनाएंगे लेजर, सर्विस टैक्स का लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे सर्विस टैक्स का लेजर बनाते हुए ध्यान देंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में TDS जो कटा है वो सर्विस टैक्स के अमाउंट पे भी कटा है। तो यहाँ पे सर्विस टैक्स लेंगे, फिर यहाँ पे अगेन सर्विस टैक्स, और यहाँ पे जो इस TDS अप्लीकेबल, यानी क्या इस लेजर पे TDS अप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम अप्लीकेबल कर देंगे और कैटेगरी ले लेंगे नेचर ऑफ पेमेंट में रेंट, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए TDS सर्विस टैक्स पे इसी तरह फिर हम डेबिट करेंगे और कृषि कल्याण के नाम से एक लेजर बनाएंगे, के किसी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर कृषि कल्याण। और बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस TDS अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करिएगा और नेचर ऑफ पेमेंट में रेंट ले लीजिएगा, क्योंकि हमें जो TDS काटना है वो इस लेजर पे भी काटना है। एक्सेप्ट। देन हम फिर डेबिट करेंगे और इस बार SBC के नाम से, स्वच्छ भारत सेस के नाम से लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस, और यहाँ पे इस TDS अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे रेंट को ले लेंगे इंटर, एक्सेप्ट। अब क्रेडिट करेंगे तो जो हमारी पार्टी होगी उसको क्रेडिट करेंगे, जैसा कि हमारी पार्टी थी नेहरचल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो क्रेडिट करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे नेहरचल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हम माल खरीदते हैं या कोई भी सर्विस रिसीव करते हैं तो वो हमारा संडे क्रिएटर होता है। यहाँ पे संडे क्रिएटर लेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा पार्टी के लेजर में यस रखते हैं। और यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल, यानी इस पार्टी पे TDS हमें काटना है, तो हाँ काटना है, यस कर लेंगे। अब ये डिडक्टिव टाइप, तो क्या नेहरचल हाउसिंग ये कैसा डिडक्टिव है, तो ये नेहरचल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो जब भी प्राइवेट लिमिटेड किसी पार्टी के नाम किया गया जाए तो वो कंपनी होती है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी रेसिडेंट ले लेंगे। और यहाँ पे डिडक्टेड TDS इनसेम वाउचर, क्या इस वाउचर में हमें TDS काटना है, तो यहाँ पे इस फीचर को यस करिएगा। और हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पैन नंबर डालना मत भूलिएगा, कि जैसा कि इस क्वेश्चन में पैन नंबर दिया हुआ है, देखिए इनका पैन नंबर है ASDFR जैसे कि हुआ है 32 41, और ये पैन नंबर बदल देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। और सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, इस फीचर को यस कर देंगे, यहाँ पे सर्विस टैक्स उनका कुछ भर देंगे। ये देखिए हमारा TDS कट गया 247,250 का बिल बना हुआ है, लेकिन उसमें से हमने TDS काट लिया। अब यहाँ पे फिर क्रेडिट करेंगे, न्यू रेफरेंस यहाँ पे लेंगे, न्यू रेफरेंस, दोबारा न्यू रेफरेंस अगेन। अब यहाँ पे हम TDS काटेंगे, TDS का एक लेजर बनाएंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और TDS ऑन रेंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे TDS ले लेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में TDS, और यहाँ पे रेंट ले लेंगे फीचर ऑफ पेमेंट में, इंटर एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए हमारा TDS कट गया। अब आप अगर बिल में देखेंगे तो जिस तरीके का 24,725 TDS कटा है, तो 24,725 का TDS भी काट लिया। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एकदम सेम, जैसे कि यहाँ पे TDS कटा हुआ है 24,725, तो यहाँ पे भी 24,725 कटा हुआ है। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे देखिए अमाउंट इनवर्ड
पेमेंट डिटेल हुआ है, यानी पेमेंट पार्टी को पेमेंट भी हो गया है, चेक के थ्रू हुआ है, 2759 चेक का नंबर है, तो यहाँ पे आप इस पार्टी को पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की शॉर्टकट की ये 5 प्रेस करेंगे और निहालचल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर देंगे। अब कितना पेमेंट करेंगे, जितना इसका करंट बैलेंस दिखाएगा उसी अमाउंट को हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इसका करंट बैलेंस है 2,22,525 रुपये। अगेन डिफरेंस इस बिल के थ्रू हम पेमेंट करेंगे इसको, और एक्सिस बैंक चेक के थ्रू हम कर रहे हैं, और यहाँ पे 2754 प्रेस करके यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, 1/6/2016 कंपनी TDS अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट बाय चेक, यानी हम TDS के अमाउंट को क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो TDS का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेशनरी रिपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा TDS रिपोर्ट। TDS रिपोर्ट में जाएंगे, फॉर्म 26Q में जाएंगे, और यहीं पे बस आप अल्ट एस प्रेस करेंगे, और सबसे पहले डेट देख लीजिए किस डेट में आपने पेमेंट किया है। तो हमने डेट का ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे देखिए डेट पेमेंट हुआ 2/4 में, तो सॉरी वहाँ डेट जो था वो 1/5 को था, हमने डेट नहीं डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम डेट सही कर लेंगे, और F2 प्रेस करके 1/5 को हुआ था एक्सेप्ट करा देंगे, और यहाँ भी 1/5 को पेमेंट हुआ था 1/5 करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम जाके डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट में जाएंगे, TDS रिपोर्ट में जाएंगे, फॉर्म 26Q, और यहाँ पे इस पार्टी को TDS का अमाउंट पेमेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे TDS कटा है 2475, तो यहाँ पे अल्ट पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट एस प्रेस करेंगे, और किस चीज़ का हमें पेमेंट करना है, TDS का करना है, तो यहाँ पे TDS ले लेंगे। कब से कब तक का, तो 1 मई से लेके 31 मई का, और यहाँ कब तक का कटा है, तो 5 महीना ले लेंगे, 194। ये देखिए सेक्शन उसका आ गया, रेंट नेचर ऑफ पेमेंट आ गया, और आइटम यहाँ ले लेंगे एक्सिस बैंक का, कि ये देखिए हमारा TDS का पेमेंट हो गया। अब हमें TDS का जो पेमेंट करना है वो 1/6 को करना है, तो यहाँ F2 प्रेस करके पेमेंट कर देंगे 1/6 को, ये हमारा पेमेंट हो गया। यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, ओके कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो पेमेंट हम हमारा बता रहे हैं वो नॉट इंक्लूड बता रहा है, तो यहीं पे कर्सर ले जाइएगा नॉट इंक्लूड पे, इंटर प्रेस करिएगा, और बैंक डिटेल और नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर में इंटर प्रेस करिएगा। और यहाँ पे जो जो पूछ रहा है, यहाँ पे जैसे चेक DD नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे चेक DD नंबर भर देंगे। यहाँ पे चेक डेट पूछ रहा है, तो हमने 1/6 को डेट चेक दिया है। VISR कोड जो 7 डिजिट का होता है उसको भी फिल कर देंगे, चालान नंबर जो 6 डिजिट का होता है उसको भी फिल कर देंगे, और चालान डेट यानी जिस डेट को हमने पेमेंट की वो चालान डेट भी फिल कर लेंगे। और यहाँ हमने एक्सिस बैंक के थ्रू की थी, तो डिफाइन करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ से देखिए इंक्लूड हो गया, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या हो रहा है कि मिस्टर आनंद पांडे ने भी बिल बनाई है, किसके ऊपर बनाई है, कैस्ट्रल प्राइवेट लिमिटेड यानी हमारे ऊपर बिल बना हुआ है, और ये चार्ज जो हुआ वो प्रोफेशनल फीस यानी प्रोफेशनल फी हमारे लिए खर्चा है 40,000 रुपये के, जिस पर TDS कटा है 10%, 4,000 रुपया, और एक्सिस बैंक के थ्रू पार्टी को पेमेंट भी हो गई है, तो ये TDS का केस है, तो जाके TDS में इसकी एंट्री कर देंगे। TDS कटने की जो एंट्री होती है वो जनरल में होगी, तो यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, और जनरल के शॉर्टकट की F7 प्रेस करेंगे। अब हमें किस चीज़ पे खर्चा हो रहा है, तो प्रोफेशनल फी, यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे, और प्रोफेशनल फीस के नाम से एक लेज़र बना लेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये हमारे लिए खर्चा है, और यहाँ पे इस TDS अप्लीकेबल कराएंगे, और यहाँ पे न्यू कैटेगरी के नाम से एक फीचर कैटेगरी बना लेंगे नेचर। तो प्रोफेशनल फी है, तो प्रोफेशनल फी के नाम से कैटेगरी बनाएंगे, और ये सेक्शन होता है इसका 194J, और इसकी भी रेट जो होती है वो 10% होती है, और इसकी एग्जेम्पशन लिमिट 30,000 होती है। यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। हमारा रेट प्रोफेशनल फी पे जो खर्चा हुआ है वो 40,000, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और सबसे पहले डेट सही करेंगे, जो डेट है इसका 2/6, तो 2/6 यहाँ ले लेंगे। क्रेडिट, अब क्रेडिट जिस पार्टी से हमने ये फीस
खर्चा हुआ है उसके ले लेंगे, जैसे कि मिस्टर आनंद पांडे हैं, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मिस्टर आनंद पांडे के नाम से एक लेजर बना लेंगे अंडर सैलरी क्रिएटर। अब यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल इसको इस फीचर को यस कर देंगे और यहाँ पे ये मिस्टर आनंद पांडे यहाँ पे कुछ भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कुछ नहीं लिखा है तो ये इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे बस हम इंडिविजुअल एचओएफ रेसिडेंट ले लेंगे। डायरेक्टर टीडीएस एंड सिम वाउचर इस फीचर को यस। एंड यहाँ पे पैन नंबर, अब देखिए इस क्वेश्चन में पैन दिया होगा नहीं तो यहाँ पे पैन नहीं लिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है पैन अवेलेबल, तो यहाँ पे हम कोई भी पैन नंबर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारे देखिए टीडीएस इस पे कट चुका है। अब यहाँ पे एक फिर से क्रेडिट करेंगे न्यू रेफरेंस न्यू रेफरेंस न्यू रेफरेंस न्यू रेफरेंस और यहाँ पे एड्रेस प्रेस करके एक लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ पे टीडीएस ले लेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में और यहाँ पे जो हमने प्रोफेशनल फी की कैटेगरी बनाई है उस कैटेगरी को ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पास द एंट्री बाय द बेलो रिकमेंड डॉक्यूमेंट को देखिए हमें एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे देखिए इनकी एंट्री क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बिल बना है, देखिए बिल बनाया है टैक्स इनवाइस है, किसने बनाया है कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने और इसने बनाया है कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड को, तो यानी हमने ये परचेस किया है। अब परचेस क्या किया है ये भी देखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड फर्नीचर, हमारी जो कंपनी है वो कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड है जो क्या करती है मॉनिटर वोनीटर बेचती है और हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर तो हमारे लिए गुड्स है नहीं बल्कि ये क्या है हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर फिक्स एसेट फर्नीचर है, फर्नीचर पर यहाँ पर देखिए ऐड हुआ है क्या वैट, तो वैट ऐड हुआ है फर्नीचर पर यानी फिक्स एसेट्स पे फर्नीचर फिक्स एसेट पे फर्नीचर तो ये वैट लगा हुआ है, तो वैट कैसा ले यानी फिक्स एसेट्स पे वैट लगा हुआ, तो यानी ये कैपिटल गुड्स का केस है। जब भी किसी फिक्स एसेट्स पे वैट लगता है तो वो कैपिटल गुड्स का केस होता है। अब नेक्स्ट इस बिल में ये भी देखने वाली बात है कि इंस्टॉलेशन चार्ज, यानी हमने फर्नीचर को जो इंस्टॉलेशन कराया है इंस्टॉल करवाया है तो उसका भी चार्ज लगा है 32,000 रुपये और जब हम चार्ज लगा है इंस्टॉलेशन चार्ज का तो उस पर देखिए इंस्टॉलेशन चार्ज एक सर्विस है तो उस पर उसने क्या किया सर्विस टैक्स भी काटा है, तो अब सर्विस टैक्स काटा है तो यहाँ पे सर्विस टैक्स भी डिफाइन होगा, यानी ये एंट्री में वैट क्रेडिट डिफर्ड, यानी जब कैपिटल गुड्स का होता है तो वैट के नाम से नहीं लेजर बनता है बल्कि वैट क्रेडिट डिफर्ड के नाम से एक लेजर बनता है। वैट क्रेडिट डिफर्ड को भी हमें डिफाइन करना है, वैट कैपिटल गुड्स का भी केस करना है और इंस्टॉलेशन चार्ज पे सर्विस टैक्स का भी डिफाइन करना है। तो आइए इसको टैली में कैसे एंट्री करते हैं, तो आइए पास करते हैं। तो परचेज में जाएंगे, परचेज की शॉर्टकट की होती है F9। अब देखिए हम तो ये यहाँ पे जो हमारा परचेज जो खुला हुआ है वाउचर वो आइटम मोड पे खुला हुआ है, लेकिन हमें आइटम तो खरीदना नहीं है, हमें फिक्स एसेट खरीदना है, तो बस इसको वाउचर मोड पे कर लेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और वाउचर मोड पे कर लेंगे। अब किस डेट में हमें खरीदना है डेट पे ध्यान देंगे, तो डेट हमारा एक साथ में है F2 दबाएंगे और एक साथ डेट ले लेंगे। अब इनवॉइस नंबर जो दिया होगा इनवॉइस नंबर भी भर देंगे। क्रेडिट, अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो अब सबसे पहले बात ये ध्यान दीजिए कि क्रेडिट किसको करना है। ये देखिए फर्नीचर हुआ है, फर्नीचर क्या हुआ है 240,000, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा। अब देखिए उसमें वैट ऐड हुआ है यानी ये अमाउंट इसमें बढ़ाना चाहिए तो वैट भी डेबिट होगा। अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन चार्ज ये भी क्या हुआ है इसमें ऐड हुआ है तो ये भी डेबिट होगा। सर्विस टैक्स के किसी SBC ये सब चीज़ क्या हुई है ऐड हुई है यानी इस अमाउंट में 240,000 में सारी चीज़ें ऐड हुई है तो ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट होगी। अब क्रेडिट किसको होगा, तो हम ये क्या कर रहे हैं किससे खरीद रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड से, तो इससे खरीद रहे हैं तो ये हमारा सिंडिकेटर है तो इसी पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टैली हमसे पहले क्या पूछ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखेंगे अल्ट सी प्रेस करेंगे और कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर सिंडिकेटर, जिससे हम कोई भी सामान खरीदते हैं वो हमारा सिंडिकेटर होता है। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा ये रखते हैं पार्टी के लेजर में और इस पर TDS हमें नहीं काटना है तो इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ पे ये सर्विस टैक्स हमारे ऊपर काटेगा तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और इसका जो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिल कर देंगे।
और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस में टेक्सेबल कर दीजिएगा एक्सेप्ट। हाँ सॉरी, इनका वैट भी डिफाइन करना था, वैट भी ये हमारे ऊपर काट रहे हैं, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ से कर लीजिएगा, सेट अंडर वैट डिटेल भी कर लीजिएगा और रेगुलर यहाँ पे टिन नंबर भर दीजिएगा, एंटर प्रेस करेंगे एक्सेप्ट करा देंगे। अब बात बता दीजिए अमाउंट कितना भरे, तो देखिए जाहिर सी बात है कि फर्नीचर हमने 240,000 का खरीदा, उस पर वैट लगाया, वह वैट भी ऐड होगा, 32,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ वो भी ऐड होगा, ये सारी चीज़ें ऐड होगी। तो ऐड होने के बाद ये किसको पैसा मिलेगा, सब क्रेडिटर को मिलेगा जो हमारी पार्टी होगी। तो पार्टी को कितना अमाउंट मिल रहा है, टोटल जितना 288,800 दिया है वही टोटल अमाउंट हम उसको दे देंगे, तो यहाँ पे फिल करेंगे 288,800। अब डेबिट क्या होगा, न्यू रेफरेंस यहाँ लेंगे। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट पहले सबसे पहले फर्नीचर, अब फर्नीचर का लेज़र बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि ये जो केस है हमारा फर्नीचर वैट लगा है तो ये कैपिटल गुड्स का केस है। यहाँ पे फर्नीचर के नाम से एक लेज़र बनाएंगे और फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे इस वैट अब्लिक CST अप्लीकेबल, इस पर अप्लीकेबल कराना है क्योंकि इस पर इस लेज़र पर हमें वैट काटना है। सेट अल्टर वैट डिटेल, बस यहाँ पे इस फीचर को यस कर देंगे। वैट डिटेल हमें भरना है, कोई क्लासिफिकेशन इसमें नहीं हमें डिफाइन करना है, कोई भी अलग से हमने क्लासिफिकेशन पे नहीं बनाया है। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ये कैसा ट्रांजेक्शन है, हमने फिक्स एसेट खरीदा है तो ये ट्रांजेक्शन कैसा है, तो ये कैपिटल गुड्स का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे बस आप ले लेंगे परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स यहाँ ले लेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे वैट का रेट डिफाइन कर देंगे, जैसे उस पर 5% डिफाइन है, इंटरप्रेस करेंगे और ये एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए जो अमाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा 288,000 ऑटोमेटिक डेबिट भी उतना से ही होगा क्योंकि जनरल एंट्री का रूल करता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो। तो बस यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, मैनुअली भर देना है। जैसे कि फर्नीचर का अमाउंट 240,000 है तो यहाँ पे 40,000 डिफाइन कर देंगे, इंटरप्रेस करेंगे। अब इस पर क्या लगेगा, वैट। तो जब भी कैपिटल गुड्स का केस होता है तो वैट नहीं लगता है बल्कि वैट क्रेडिट डिफर्ड होता है, क्योंकि ये वैट क्रेडिट डिफर्ड जो होता है इसका हमें क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। तो जब क्रेडिट मिलता है तो इसके लिए हम लेज़र बनाते हैं वैट क्रेडिट डिफर्ड, और जो इसका क्रेडिट हमें मिलता है वो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको इसका क्रेडिट 3 साल में मिलेगा, और 3 साल में हर महीने आपको मिलेगा, यानी हर महीने इसका क्रेडिट मिलेगा लेकिन 3 साल तक। तो इसीलिए हम वैट क्रेडिट डिफर्ड, यानी ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं। तो इसीलिए एक लेज़र बनाएंगे, अल्ट्रा सी प्रेस करेंगे और वैट क्रेडिट डिफॉल्ट के नाम से एक लेज़र बना लेंगे, ये हमारे लिए एसेट्स है। तो यहाँ पे करंट एसेट डाल देंगे और यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा इंक्लूड इन असेसबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर वैट, यानी इसको क्या करना है, हमें वैट में क्या करना है, इंक्लूड करना है क्योंकि ये भी एक तरीके का वैट है। तो यहाँ पे वैट लेंगे और यहाँ मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू ले लीजिएगा, इंटरप्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट ले लेगा, बस आपको यहाँ पे बिल आएगी, इस बिल को फिल कर दीजिएगा, जैसे कमोडिटी नेम कुछ भी डाल दीजिएगा, कमोडिटी कोड कुछ भी डाल दीजिएगा और यहाँ पे बस डिफाइन करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब देखिए 48,800 है लेकिन 240,000 का जो 5% निकलता है वो 12,000, बस आपको यहाँ पे बिल देख के अमाउंट भर देना है 12,000। अब यहाँ पे और क्या हुआ है, हमें चार्ज हुआ है इंस्टॉलेशन चार्ज, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और इंस्टॉलेशन चार्ज का एक लेज़र बनाएंगे, अल्ट सी और इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। अब इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो हम क्या करें, इंस्टॉलेशन चार्ज उससे रिसीव करें, ये एक तरीके का सर्विस है, तो सर्विस हम उससे खरीद रहे हैं, तो सर्विस खरीद रहे हैं तो इंस्टॉलेशन हमारे लिए क्या है, एक परचेज है, तो यहाँ इसका अंडर परचेज अकाउंट। और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो कर देंगे क्योंकि इससे कोई भी इन्वेंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स अप्लीकेबल करा देंगे, सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस करा देंगे। यस कराने के बाद यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और इंस्टॉलेशन के नाम से एक कैटेगरी बना देंगे और यहाँ पे उसका सर्विस टैक्स डिफाइन कर देंगे, स्वच्छ भारत सेस डिफाइन कर देंगे और कृषि कल्याण डिफाइन कर देंगे, इंटरप्रेस कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब इंस्टॉलेशन चार्ज हमारा 32,000 था तो यहाँ मैनुअली 32,000 भर देंगे। अब इस पर हमारा क्या करना है, सर्विस टैक्स चार्ज करना है, तो फिर से हम डेबिट करेंगे सर्विस टैक्स चार्ज को, यहाँ पे सर्विस टैक्स ले लेंगे। अब सर्विस टैक्स का जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 4480 रुपये है तो यहाँ पे 4480 रुपये फिल कर देंगे। फिर दोबारा हम लगाएंगे KKC, तो KKC हमारा 160 रुपये, तो 160 रुपये प्रेस करेंगे
और यहाँ पे फिर हम ले लेंगे SBC, और यहाँ SBC लेने के बाद देखिए ऑटोमेटिक अमाउंट 160 रुपये आ गया, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर हो गया, इक्वल हो गए। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। देन अब वैट क्रेडिट डिफर्ड का रूल क्या कहता है, कैपिटल गुड्स का रूल ये कहता है कि आपको जो वैट क्रेडिट डिफर्ड का जो इनपुट आपको मिलेगा क्रेडिट, वो हर महीने मिलेगा और 3 साल तक का मिलेगा। तो इनपुट क्रेडिट डिफर्ड हमें क्या करना है, आज हमने एंट्री की है तो आज ही हमें पहले महीने का यानी 1 महीने का हमें इसका क्रेडिट मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स का इनपुट क्रेडिट लेंगे। तो इनपुट क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, डिस्प्ले में, स्टेचरी एंड रिपोर्ट में, और वैट से संबंधित है तो हम इस वैट में चले जाएंगे, फॉर्म वैट 24-2। अब यहाँ पे हमें कैपिटल गुड्स का लेना है, तो कैपिटल गुड्स का लेने के लिए देखिए यहाँ पे बता रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ऑन कैपिटल गुड्स पे मिलेगा, ये टू बी क्लेम्ड 12,000 तक आपको इसका क्लेम मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपको 3 साल में मिलेगा और हर महीने मिलेगा, तो हर महीने हम सबसे पहले क्रेडिट लेंगे। तो क्रेडिट करने के लिए यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट कराने के लिए अल्ट जे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप ले लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिटेड ऑन कैपिटल गुड्स, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक हम वैट का लेज़र बनाएंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और वैट के नाम से एक लेज़र बना लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे वैट ले लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बिल आ गई, इस बिल को लेंगे, जैसे बिल लेंगे यहाँ पे देखिए परसेंट, ये पूरा अमाउंट क्लेम हमें जो कर रहा है पूरा अमाउंट क्लेम मिल रहा है 12,000 का, लेकिन हमें सिर्फ 1 महीने का चाहिए और 3 साल में इसका क्लेम मिलता है, तो 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में कितने महीने होंगे, 36 महीने। तो यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का निकालना है, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और 12,000 डिवाइडेड बाई 36 यानी 36 महीने से डिवाइडेड करेंगे तो 1 महीने का हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और ये क्लेम हमें मिल गया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो वैट क्रेडिट डिफर्ड को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वैट क्रेडिट डिफर्ड हमारा 12,000 तक अब तक करंट एसेट था, फिर उसके बाद हमें 333 रुपये का क्या क्रेडिट मिल गया इसका, तो ये वैट क्रेडिट डिफर्ड हमारा 333 रुपये 33 पैसा से कम हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और इस एंटर को एक्सेप्ट करा देंगे। देन अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऑन 8/2016 कंपनी टीडीएस अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट विथ लेट फाइन, लेट फाइन के साथ हमें टीडीएस पेड करना, क्यों लेट फाइन के साथ पेमेंट करना है ये भी देखिए कि लेट फाइन के साथ। अब देखिए टीडीएस हमने जो प्रोफेशनल फी पे काटा था वो हमारी एंट्री हुई थी 2/6 को, और गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि आपको टीडीएस के अमाउंट अगले महीने के 7 तारीख तक आपको कर देना है, तो अगला महीना इसका 1 जुलाई होगा और आपने पेमेंट किया है 1/8 को पेमेंट किया है, तो यानी इसके साथ आपको लेट फाइन के साथ पेमेंट करना है, तो 1 महीने लेट में आपने पेमेंट किया। अब सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए विथ लेट फाइन अगर नहीं लिखा होता और डेट 1/8 को है तब भी आपको यहाँ पे लेट फाइन देना पड़ता, क्योंकि जो रूल है वो रूल है। तो यहाँ पे लेट फाइन पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये देखिए डेट पे ध्यान दीजिए कि अगले महीने तो टीडीएस का पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन इसने टीडीएस लेट में पेमेंट किया तो इसलिए लेट फाइन इस पर लगेगा। तो आइए एंट्री करते हैं लेट फाइन के साथ, पहले टीडीएस पेमेंट करेंगे। तो स्टेचरी रिपोर्ट में आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेचरी रिपोर्ट में चले आएंगे, और इस बार टीडीएस का हमें पेमेंट करना है तो टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे और फॉर्म 26Q। अब सबसे पहले डेट सही करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और 1/6 से लेके 31/7 तक का देखेंगे। यहाँ पर देखिए यही 4,000 का हमें टीडीएस पेमेंट करना है। टीडीएस पेमेंट करने के लिए शॉर्टकट के अल्ट एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें टीडीएस का पेमेंट करना है तो यहाँ पर टीडीएस ले लेंगे। कब से कब तक का था, 1 जून से लेके 31/7 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 1/7 ले लेंगे, और 194J जो हमारा सेक्शन था वो आ गया, प्रोफेशनल फी का था, और ऑल आइटम ले लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट होने जा रही है, तो बस यहाँ पे एक्सेप्ट मत करिएगा, फिर एक बार बैक स्पेस प्रेस करिएगा, फिर एंटर प्रेस करिएगा। अब हमें इसके साथ क्या देना है, लेट फाइन देना है, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करिएगा और लेट फाइन के नाम से लेज़र बनाइएगा, लेट फाइन अंडर डालिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करा देना एंट्री को। अब ये पूछेगा कि आपको ये किस चीज़ का आपने खर्चा दिखाया, ये कैसा खर्चा है, तो ये लेट फी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे लेट फी दे दीजिएगा। अब कितना पैसा है, तो जितना भी टीडीएस करता है उसका 1.5% यानी 1.5% लेट फाइन होता है, तो अल्ट सी प्रेस करिएगा
तो और यहाँ पे एक ही महीने का देना है तो सिर्फ 1.5%, अगर 2 महीने का देना होता तो 3%। वैसे भी एक दिन भी लेट हो तो हमने 2 तारीख को TDS काटा था, लेकिन 1 ही अगस्त होगा। अगर हम 3 अगस्त को पेमेंट करते हैं तो एक दिन भी अगर ज़्यादा लेट होता तो हम 2 महीने का लेट फाइन करते। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे, इंटू 4000 इंटू 1.5% निकालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा 60 रुपये लेट फाइन हो गया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। चेक नंबर कोई भी भर लेंगे, एक्सेप्ट। अभी देखिए ये नॉट इंक्लूड बता रहा है, तो बस जाके आपको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, इंटर, और यहाँ पे सारे बैंक डिटेल भर देने हैं। चेक डेट नंबर, जैसे कि ये कार्ड को है, DSR कोड 7 डिजिट का है, 7 डिजिट यहाँ पे फिल कर देंगे। चालान नंबर जो आपका है वो चालान नंबर हम फिल कर देंगे, और चालान डेट 1/8 एक्सिस बैंक के थ्रू हमने किया है, एक्सेप्ट। अब पेमेंट में जो डेट हमने डिफाइन किया था वो पेमेंट का डिफाइन कर देंगे। प्रोफेशनल फी 1/7 को किया है, वो करना चाहिए था हमें 1/8 में, तो यहाँ पे 1/8 ले लेंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पास द एंट्री बाय द बिलो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देखिए हमें एंट्री पास करनी है। कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान दीजिए, कैस्टल प्राइवेट लिमिटेड ने बिल बनाया है, किसको बनाया है, मैसत आदित्य प्राइवेट लिमिटेड को, यानी हम सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU और वैट का रेट भी हमने अलग अलग डिफाइन किया है। तो क्लासिफिकेशन हम पहले से बना चुके हैं, तो हमें क्लासिफिकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सिंपल सेल कर देंगे। सेल करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल की शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे, और कितने तारीख को हम कर रहे हैं, ये 2/7 में, तो 2/7 यहाँ पे ले लेंगे। और रेफरेंस नंबर यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर डाल देंगे। पार्टी अमाउंट है मैसेस आदित्य प्राइवेट लिमिटेड अंडर। अब जब भी हम किसी पार्टी को सेल करते हैं तो वो हमारा सेंडी डेटर होता है, यहाँ पे सेंडी डेटर लेंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल इस फीचर को यस कर देंगे, और यहाँ पे सिर्फ अल्टर वेल डिटेल को इस फीचर को यस करेंगे रेगुलर, और यहाँ पे इसका टिन नंबर फिल कर देंगे। और ये हमारा लेज़र बन चुका है, यहाँ पे सेल का लेज़र लेंगे। अब जो जो हम आइटम सेल कर रहे हैं उस आइटम को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जैसे कि हम सबसे पहले मॉनिटर डिफाइन कर रहे हैं, 40 पीस यहाँ पर ले लेंगे। रेट अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हम पहले इस रेट से सेल कर चुके हैं। प्रिंटर हमारा शायद 20 पीस है, 20 पीस ले लेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट था CPU 15 पीस, ये भी डिफाइन कर दें। अगर हमें वैट का रेट अलग अलग डिफाइन करना है तो वैट एट द रेट ऑफ 12%, वैट एट द रेट ऑफ 14.5%, वैट एट द रेट ऑफ 5% भी डिफाइन कर देंगे। अब आप बिल में देखेंगे तो जिस तरीके का आपका वैट कटा हुआ है उसी तरीके का वहाँ पर भी कटा हुआ है। तो देखिए 44,160, 44,160, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। न्यू रेफरेंस, अब यहाँ पे देखिए इस पार्टी को क्रेडिट डेज भी दिया गया, कितना, 13 डेज, तो यहाँ पे 13 डेज आप फिल कर देंगे, एक्सेप्ट। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑन 1/9/2016 कंपनी पेड CST अमाउंट टू गवर्नमेंट। हमने जो चार्ज जिस पार्टी पे CST चार्ज किया था उस पार्टी को हम 1/9/2016 को पेमेंट कर दे रहे हैं। तो CST का हमारा जो पेमेंट हुआ था, जो हमने चार्ज किया था, CST हमने लगाया था 1/2/4 में, तो यहाँ पे 2/4 CST पेमेंट करेंगे। CST का पेमेंट करने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेशनरी रिपोर्ट में जाएंगे, वैट में चले जाएंगे और वैट फॉर्म 20। और हमें किस चीज़ का पेमेंट करना है, CST का, तो यहाँ पे पहले डेट सही कर लेंगे। CST यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो यहाँ से 1/4 से देख लेंगे। तो CST का हम पेमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टैक्सेबल इंटर स्टेट सेल अगेन फॉर्म C 3540 रुपये। तो यहाँ पे पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+S प्रेस करेंगे। किस चीज़ का पेमेंट करना है, CST का, 1 अप्रैल से लेके 31/8 तक, रेगुलर लेंगे। और इस पार्टी को देखिए हमारा पेमेंट हो गया, कितने तारीख को पेमेंट हमें करना है, 1/9 को,
इंटर प्रेस करेंगे, ये CST का हमारा अमाउंट पेमेंट हो गया, देन एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पे चेक नंबर फिल कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, हमारा CST का पेमेंट हो चुका है। ठीक है, अब जब हम यहाँ को इसको 19 से देखेंगे इन्वेस्टर का, तो यहाँ पे देखिए कोई भी पेमेंट हमें नहीं करना, एंटर। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका था, ये वैल्यू ने चार्ज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉई विद द डिटेल गिवन। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है वो पेरोल का केस है, किस चीज का केस है, पेरोल का। तो पेरोल में देखिए सबसे पहले पेरोल का हम फीचर इनेबल कराते हैं, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को मत देखिए, आपको जो पेरोल में करना होता है वो पेरोल के हिसाब से, यानी पेरोल में टैली में आप जब पेरोल का फीचर इनेबल कराएंगे जो जो चीज़ पूछेगा वो आप बनाते जाइएगा, जो चीज़ इस क्वेश्चन में दिया होगा उस चीज़ को बनाइएगा, जो चीज़ नहीं दिया है उस चीज़ को हम नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीचर इनेबल कराएंगे, और सबसे पहली बात जब भी हम किसी भी चीज़ का फीचर इनेबल कराते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक फ़ीचर इनेबल कराने होते हैं, लेकिन पेरोल एक ऐसा फीचर है कि इसके लिए दो फीचर इनेबल कराने होते हैं। सबसे पहले जो फीचर इनेबल हम कराते हैं वो गेट यू ऑफ टैली पे फिल 11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहीं पे आपको मिलेगा मेंटेन पेरोल, इस फीचर को यस कर देंगे और यहाँ पे मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कास्ट कैटेगरी, इस फीचर को भी यस कर देंगे, देन एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोबारा यानी दूसरा जो हमारा फीचर इनेबल कराना है वो कहाँ से होगा, वो स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहीं पे आपको लास्ट में मिलेगा इनेबल पेरोल स्टेचुरी, इस फीचर को यस कर देंगे, सेट एंटर पेरोल स्टेचुरी डिटेल को भी यस कर देंगे और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं, बस आप एंटर प्रेस करते जाइएगा और यहाँ पे डिडक्टर टाइप में जो गवर्नमेंट है उसको अदर कर लीजिएगा और एक्सेप्ट करा दिया, ये हमारा पेरोल का फीचर इनेबल हो गया। जैसे ही पेरोल का फीचर इनेबल होता है यहाँ पे आपको मास्टर में पेरोल इन्फो के नाम से एक फीचर दिएगा, बस अब पेरोल इन्फो में जाइएगा और यहाँ से जो जो चीज़ आपको कहे बनाने के लिए वो चीज़ आप यहाँ पे बना देंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहेंगे, कहीं कैटेगरी दिया हो तो कैटेगरी, नहीं दिया हुआ है तो कैटेगरी हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए ग्रुप दिया हुआ है तो हाँ देखिए यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, जैसे ग्रुप अकाउंट सेल मार्केटिंग का दिया हुआ है तो यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले था हमारा अकाउंट, यहाँ पे प्राइमरी कुछ कैटेगरी नहीं था तो प्राइमरी ले लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे ग्रुप, पहला हमारा था अकाउंट का, अकाउंट बना लेंगे, दूसरा हमारा था मार्केटिंग का और तीसरा हमारा था सेल्स का, ये हमारे ग्रुप तैयार हो गए। नेक्स्ट बैक आएंगे हम, अब देखिए ग्रुप हो गया, अब हमें एम्प्लॉय बनाना है तो हमारे यहाँ एम्प्लॉय कौन से काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है विजय साहिल सत्यम, विजय साहिल सत्यम, तो यहाँ पे बनाएंगे हम विजय के नाम से, विजय ले लेंगे और ये किसके अंडर काम कर रहा है, तो विजय हमारा अकाउंट के अंदर काम कर रहा है, अकाउंट ले लेंगे, कुछ नहीं एक्सेप्ट करा देंगे, कुछ नहीं दिया यहाँ पे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमारा था साहिल, साहिल किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो सेल में काम कर रहा है तो यहाँ पे सेल ले लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा था सत्यम, यहाँ पे सत्यम लेंगे, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मार्केटिंग में, तो यहाँ पे मार्केटिंग ले लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारे एम्प्लॉय तैयार हो गए। अब इस क्वेश्चन बैक आएंगे, देखिए ग्रुप बन गया एम्प्लॉय बन गया, अब हमें बनाना है यूनिट। अब क्वेश्चन में आपको यूनिट कहाँ नहीं है बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको तीन यूनिट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला यूनिट हम आवर का बनाते हैं, दूसरा हम बनाते हैं मिनट का और तीसरा हम बनाते हैं आवर ऑफ 60 मिनट का, यानी दो यूनिट हमें सिंपल बनाने हैं और तीसरा यूनिट हमें कंपाउंड बनाना है। तो आइए सबसे पहले सिंपल बनाते हैं, तो क्रिएट करेंगे, सबसे पहला हमारा था आवर, HR लिख के इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा था मिनट, मिनट बना देंगे और तीसरा जो हमारा है वो कंपाउंड है। अभी हमने सिंपल बनाया, अब हमें बनाना है कंपाउंड, तो कंपाउंड बनाने के लिए यहीं पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड ले लीजिएगा। जैसे कंपाउंड पे इंटर प्रेस करेंगे पूछेगा फर्स्ट यूनिट, तो हमें जो बनाना है वो आवर ऑफ 60 मिनट, फर्स्ट यूनिट हमारा आवर आ रहा है तो यहाँ पे आवर ले लेंगे और 16 जो आ रहा है यहाँ पे 16 मिनट डिफाइन करेंगे, तीसरा जो हमारा होगा मिनट, ये हमारा तीनों यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आके देखेंगे क्या चीज़ हमें बनाना है, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। अब इस क्वेश्चन में अटेंडेंस भी नहीं कहा है बनाने के लिए, लेकिन हम बनाएंगे दो चीज़ों का, हम बनाते हैं एक
अब्सेंट या प्रेजेंट, अब्सेंट या प्रेजेंट, या तो आप प्रेजेंट का बना लीजिए या तो आप अटेंडेंस का बना लीजिए। तो हम प्रेजेंट बनाइए या अब्सेंट बनाइए, तो हम प्रेजेंट का बना लेते हैं। और दूसरा हमें जो बनाना होता है वो ओवर टाइम का बनाना होता है, यानी दो हमें अटेंडेंस में बनाने होते हैं। तो अटेंडेंस में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम अब्सेंट के नाम से बनाएंगे, अब्सेंट करेंगे और इंटरफेस करेंगे। अब अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप यानी मतलब ये अटेंड जो हम अब्सेंट बना रहे हैं ये कैसा टाइप होना चाहिए, तो लीव विदाउट पे, यानी ये जब अब्सेंट हो तो इनको पेमेंट ना हो, इनकी सैलरी कट जाए। दूसरा हमें बनाना तो ओवर टाइम, और ओवर टाइम किस पे बनना चाहिए, तो ओवर टाइम जो बनता है वो प्रोडक्शन पे, यानी जितना देर आप काम करेंगे उतना ही आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आवर ऑफ 16 मिनट होगा, एक्सेप्ट कर देंगे, हमारी दोनों यूनिट तैयार हो गई। तीसरा अब हमें बनाना है पे हेड। तो पे हेड क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए पे हेड दिया हुआ है, पे हेड हमारे ये है बेसिक है, डीए है, ओवर टाइम है, और कन्वेंस अलाउंस है, और पीएफ है। तो देखिए जब भी पीएफ दे दे तो पीएफ का तीन बनता है, तीन पे हेड बनते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉई का डिडक्शन बनता है पीएफ एट द रेट ऑफ 12%, और फिर जब आपका पीएफ कटता है तो एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। वो दो तरीके का कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, जैसे एक करता है एम्प्लॉयर ईपीएस एट द रेट ऑफ 8.33%, और दूसरा आपका करता है एम्प्लॉयर ईपीएफ एट द रेट ऑफ 3.67। तो यानी पीएफ का जो हमारा पे हेड बनेगा वो तीन पे हेड बनेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं बेसिक, फिर डीए, फिर ओवर टाइम, फिर कन्वेंस अलाउंस एंड पीएफ। तो आइए पीएफ क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हमारा पे हेड है बेसिक। अब बेसिक जो सैलरी होती है वो एम्प्लॉय के लिए क्या होती है, एक अर्निंग होती है। तो ये यहाँ पे हम ले लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, और ये फिक्स होता है हर महीने वही मिलती है। और ये जो कंपनी के लिए होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, यहाँ पे ये ले लेंगे अफेक्टेड नेट सैलरी, इस फीचर को यस रखेंगे। और यहाँ पे यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, यानी कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, जो ग्रेजुएटी हमारी कैलकुलेट होगी वो किस पे होगी, बेसिक पे होगी, तो इस फीचर को यस कर देंगे। और एक बात और कि यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक के पीरियड में ही यस किया जाता है, और किसी पीरियड में यस नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को नो, और यहाँ पे ये जो बेसिक हमें मिलेगा वो ऑन अटेंडेंस मिलेगा, यानी जितने दिन हम अटेंड रहेंगे उतने दिन हमें मिलेगा। और यहाँ पे डन, और लिव विदाउट पे एब्सेंट, और ये हमें मंथली मिलेगा, तो यहाँ मंथली लेंगे एज पर कैलेंडर ईयर ले लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा हमारा था वो डीए था, क्लियर, और एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा पे हेड है डेयरनेस अलाउंसेज, यानी डीए। अब डीए ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होगी, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स होता है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और ये जो हमें मिलता है वो कंप्यूटेड मिलता है, यानी ये जो हमें देखिए डीए मिला है 40% 40% 40%, तो ये 40% हमें किसका मिला, बेसिक का 40% मिला। तो ये कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे कंप्यूटेड ले लेंगे, और यह नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। अब ये देखिए हमें क्या करना है, हमें बेसिक का 40% निकालना है, यानी एक फार्मूला हमें बनाना है। तो यहाँ पे आप लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, फार्मूला लेंगे किसका, बेसिक का, बेसिक का हमें कितना मिले, यहाँ पे परसेंटेज में लेंगे कितना मिले, 40%, बस यहाँ पे 40% डिफाइन कर दीजिएगा और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा था ओवर टाइम, तो यहाँ पे ओवर टाइम के नाम से एक बना लेंगे पे हेड ओवर टाइम। ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, फिक्स होती है, और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप, यानी जो ओवर टाइम हमें मिलता है वो ऑन प्रोडक्शन मिलता है, यानी जितना हम काम करते हैं उतना मिलता है। तो ओवर टाइम यहाँ पर ले लेंगे, कुछ नहीं, एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉन्वेंस अलाउंस, तो उसी के कॉन्वेंस अलाउंस, ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, ये भी फिक्स होती है, और कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, ये कॉन्वेंस अलाउंस हमें कैसा मिलता है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये हमें 2200 2500, यानी एक फ्लैट रेट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे बस हम क्या ले लेंगे, फ्लैट रेट, इंटर एक्सेप्ट, और ये भी हमें मंथली मिलता है, तो हमें मंथली ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमें बनाना था पीएफ। मैंने कहा था कि पीएफ के तीन बनते हैं, एक एम्प्लॉय का और दो एम्प्लॉयर का। तो पहला जो एम्प्लॉय का बनता है वो होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्टेचरी डिडक्शन डिडक्शन एट द रेट ऑफ 12%। ये क्या है कि एम्प्लॉई की अर्निंग जो होती, जितनी भी अर्निंग होती उसमें से क्या होता है, ये कटता है। तो यहाँ पे ये जो होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्टेचरी डिडक्शन, यहाँ पे हम ले लेंगे।
अब एम्प्लॉई स्टेशनरी डिडक्शन लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और ये कंपनी के लिए क्या होती है, हाँ ये यहाँ पे स्टेशनरी पे टाइप होगा वो पीएफ अकाउंट नंबर वन होगा, ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी होती है और ये कंप्यूटेड होती है। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे और यहाँ पे लिमिट में वन, ये भी एक फार्मूला हमें बनाना है। तो ये फार्मूला क्या होता है कि जिसकी भी सैलरी, गवर्नमेंट ये कहती है कि जिसकी भी सैलरी 15,000 तक हो उसका 12% पीएफ कटे, और जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो तो 15,000 का 12% जितना वैल्यू आता है, 15,000 का 12% 1,800 आएगा, वही वैल्यू उसकी पीएफ कटनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी भी सैलरी 10,000 हो, 12,000 हो, 8,000 हो, उसका जो पीएफ कटेगा वो 12% कटेगा। लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 से एबव यानी 20,000, 25,000, 30,000 हो तो उसका जो पीएफ कटेगा वो 15,000 का सिर्फ 12% यानी 1,800 रुपये से ज़्यादा उसका पीएफ नहीं कटेगा। तो पीएफ जो वो किस पे कटता है, तो सैलरी हमारी जो मानी जाती है वो बेसिक प्लस डीए मानी जाती है। तो बेसिक यहाँ पे लेंगे और फिर ऐड करेंगे किसको, डीए को, हाँ डीए लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये हमें मिलना चाहिए जिसकी भी सैलरी 15,000 तक हो उसका परसेंटेज कटे 12%, और जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू कटे कितनी, 1,800, उससे ज़्यादा ना कटे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब दूसरा हमारा बनेगा, दो और लेजर बनते हैं, दो और पी हेड बनते हैं जो एम्प्लॉयर का होता है। तो एक होता है एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 8.33%। ये जो होता है वो एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे होगा एम्प्लॉयर स्टेशनरी कंट्रीब्यूशन और ये होगा आपका ईपीएस अकाउंट नंबर 10 ईपीएस का है, और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है और इफेक्टिव नेट सैलरी, ये सैलरी को अफेक्ट नहीं करता है और ये कंप्यूटेड होता है। और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बनाना होता है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो ऑन स्पेसिफाइड ये बेसिक ऐड फिर करेंगे, बेसिक प्लस डीए का कितना परसेंट कटना चाहिए, तो यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन करें जिसकी सैलरी 15,000 तक हो उसको परसेंटेज मिले कितना, 8.33% कटे, और जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो उसकी वैल्यू कटे कितना, 1,249.50। आप 15,000 का 8.33% निकाल के देख लीजिएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। तीसरा हमारा जो पेहेड बनता है वो एम्प्लॉयर ईपीएफ बनता है, एम्प्लॉयर ईपीएफ, और ये भी क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर ईपीएफ एट द रेट ऑफ 3.67। ये भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर स्टेशनरी कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, ये पीएफ अकाउंट नंबर वन होगा और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। और यहाँ पे फिर हम एक क्या बनाएंगे, स्पेसिफाइड फार्मूला बनाएंगे। क्या फार्मूला बनाएंगे कि ये जो होता है वो जो एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूट करता है 12%, उसमें से क्या करता है एम्प्लॉयर अपना जो 8.33% कंट्रीब्यूट किया रहता है उसमें से माइनस कर देता है 12 में से 8.33, तो वो निकल जाता है 3.67। तो यहाँ पे यही बताना है, ऐड जो होना चाहिए वो एम्प्लॉयर स्टेचरी डिडक्शन 12%, और फिर क्या करना है माइनस करना है किसको, एम्प्लॉयर ईपीएस 8.33%। इंटर, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बताना है। अब परसेंटेज कितना, 100%। अब यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि 100% क्यों लिया गया, क्योंकि हम जब बेसिक यहाँ पे लेते थे तब उसका बताते थे कि हमें इतना परसेंट कटना चाहिए, तो यहाँ पे खुद 12 माइनस 8.33 3.67% ही खुद निकल रहा है, तो यहाँ पे उसका 100% ही निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कटेगा वो 3.67% कटना चाहिए। इंटरप्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा पे हेड बन गया। अब देखिए हमें क्या बनाना है, पेड़ बनने के बाद अब हमें सैलरी डिटेल चढ़ानी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सैलरी डिटेल दी हुई है, इनकी बेसिक है, इनका ये ओवर टाइम इतना मिल रहा है, इनका कन्वेंस अलाउंस इतना मिल रहा है। तो सैलरी डिटेल में जाएंगे, डिफाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले विजय का डिफाइन कर देंगे सैलरी, कब से होनी चाहिए, 1/4 से हम डिफाइन करेंगे। उनको बेसिक मिलती है, बेसिक इनको 15,000 रुपये मिलती है, और इनको ओवर टाइम डीए भी मिलता है ओवर टाइम 225 रुपये, तो डीए भी मिलेगा इनको, और फिर इनको ओवर टाइम भी मिलेगा 225 रुपये,
और इनको कॉन्वेंस अलाउंस मिलता है वो जो होता है वो 2200 रुपये इनको मिलता है, और फिर उसके बाद इनकी MPF भी कटेगा और ये कंट्रीब्यूट भी इम्प्लॉय करेगा, ये इनकी सैलरी डिफाइन होगी। इसी तरह हम साहिल का डिफाइन करेंगे, जैसे कि साहिल यहाँ पे हैं, साहिल का भी 400 मिलेगा और इनको भी बेसिक मिलेगा, तो इनको बेसिक जो मिल रहा है वो है 12,000 रुपये, 200 रुपये ओवर टाइम मिल रहा है और 2,000 रुपये कॉन्वेंस अलाउंस, तो सैलरी की 12,000, इनको DA भी मिल रहा है, ओवर टाइम इनको मिल रहा है 200 रुपये और इनको कॉन्वेंस अलाउंस भी मिल रहा है जो 2,000 रुपये है, तो इनका PF भी कटना चाहिए और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट भी करेगा, ये सारी चीज़ें इनकी डिफाइन करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे हैं सत्यम, सत्यम के हम डिफाइन करेंगे, 1/4 से इनका भी अप्लीकेबल होगा, इनको भी बेसिक सैलरी मिलेगी, इनकी बेसिक सैलरी जैसे कि है 6,500 और DA भी इनको मिलेगा और इनका जो ओवर टाइम है वो 175 रुपये है और इनको कन्वेंस अलाउंस भी मिलेगा, तो इनको कन्वेंस अलाउंस शायद 2500 रुपये मिल रहे हैं और इनका भी PF कटना चाहिए और कंट्रीब्यूट भी करेगा एम्प्लॉयर, कि हमारा सैलरी डिफाइन हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करना है, देखिए पास द अटेंडेंस एंट्री ऑन 1/10/2016 विजय एंड सत्यम का अटेंडेंस, वो क्या क्या करना है, विजय अटेंडेंस चढ़ाना है, तो पास द अटेंडेंस एंट्री ऑन 1/10/2016 विजय एंड सत्यम वॉज प्रजेंट 27 days एंड 28 days एंड साहिल एंड विजय डन ओवर टाइम 155 मिनट एंड 220 मिनट, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि विजय और सत्यम प्रेजेंट हुए 27 दिन और 28 दिन, तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने एबसेंट किया है, और ये देखिए पूरा महीना कितने दिन, ये अक्टूबर का महीना, तो अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है, तो इससे ये पता चला कि विजय ने 4 दिन एबसेंट किए हैं और सत्यम ने 3 दिन एबसेंट किया है, और कह रहे हैं कि ओवर टाइम इन्होंने काम किया है, तो आइए ओवर टाइम की एंट्री सबसे पहले करते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम पेरोल वाउचर में जाएंगे और अटेंडेंस और ओवर टाइम को जब भी हमें चढ़ाना होता है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5, Ctrl+F5 प्रेस करेंगे और विजय, विजय एबसेंट है तो यहाँ पे एबसेंट लेंगे, कितने दिन एबसेंट है 4 दिन, और फिर सत्यम एबसेंट हैं कितने दिन एबसेंट हैं तो 3 दिन। अब देखिए विजय और फिर क्वेश्चन में क्या है, विजय साहिल एंड विजय ने काम किया है, तो साहिल काम किए हैं ओवर टाइम कितना 155 मिनट। अब यहाँ पे मिनट हमने जो बनाया है आवर ऑफ 16 मिनट बनाया है, ये सिर्फ मिनट में दिया है 155 मिनट, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना घंटा है कितना मिनट है, तो आप इसमें कुछ डिफाइन मत करिए, बस यहाँ पे जो आपको 155 मिनट डिफाइन करना है उससे पहले आप डैश लगा देंगे, डैश लगाइए और फिर उसके बाद 155 मिनट यहाँ पे डिफाइन करिए, जैसे आप इंटरफेस करेंगे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि 155 मिनट आपने डिफाइन किया है, तो हवर ऑफ 16 मिनट यहाँ ले लेंगे डिफाइन करेगा, और फिर उसके बाद विजय ने काम किया है यहाँ विजय का ले लेंगे, और यहाँ तो आप अगर आपको मालूम है कि ये कितना घंटा काम किया तो यहाँ पे लिखिए 3.25 यानी 3 घंटा 25 मिनट, इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब साहिब विजय ने भी काम किया है, विजय ने 220 मिनट, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 220 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो जैसा कि होते हैं 5 घंटे, जैसे कि 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे का 180 मिनट होता है और 40 मिनट 220, यानी 3 घंटे 40 मिनट यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा अटेंडेंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पहले क्या कह रहा है, ऑन 2/10/2017 पास सैलरी ड्यू प्रोसेसिंग एंट्री एंड PF पेपल। अब देखिए हमें सैलरी ड्यू करानी है PF पेपल, तो सबसे पहले जब भी सैलरी का ड्यू कराना हो, PF का ड्यू कराना हो, तो उससे पहले एक पेहेड बनता है, क्योंकि ये जो है पेरोल का केस है, पेरोल में वाउचर करने से पहले हमें पेहेड बनाना जरूरी होता है, तो जिस नाम से हमें एंट्री करना है, जैसे सैलरी ड्यू का करना है तो हमें सैलरी पेबल के नाम से एक पेहेड बनाना, और PF पेबल का नाम है तो PF पेबल के नाम से भी एक पेहेड बनाएंगे। इसमें 2-3 स्टेप करने होते हैं, सबसे पहला स्टेप हम पेरोल इन्फो में जाएंगे और 2 पेहेड और बनाएंगे। सबसे पहले हमारा पेहेड था सैलरी पेबल, सैलरी पेबल के नाम से बनाएंगे, और नेक्स्ट हमारा था सैलरी पेबल जो होगा वो नॉट अप्लीकेबल होगा, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमारा था PF पेबल, यहाँ पे PF पेबल ले लेंगे,
क्लियर करेंगे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और करंट लाइबिलिटी। पे हेड बनाने के बाद अब आप जाएंगे बाउचर टाइप में। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स हमें नहीं बनाना था, बाउचर टाइप में जाना था। बाउचर टाइप में आप अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद पे रोल में जाएंगे और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में आप बना देंगे। सबसे पहले हमें किस चीज़ की एंट्री करनी थी, सैलरी की, तो यहाँ पर सैलरी का बनाएंगे, सैलरी पेबल के नाम से एक पे हेड बनाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक्सक्लूड दिस ग्रुप में कुछ नहीं, इंक्लूड दिस ग्रुप में कुछ नहीं, और यहाँ लेजर नेम में जो आप पे हेड बनाए थे सैलरी पेबल, अगर सैलरी का बनाए तो सैलरी लीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर आप एक्सेप्ट पूरा मत कराइएगा, यहाँ पे फिर एक बनाइएगा क्लास सैलरी पीएफ पेबल। पीएफ पेबल यहाँ भी एक्सक्लूड छोड़ दीजिएगा, इंक्लूड छोड़ दीजिए और यहाँ लेजर में पीएफ पेबल बना लीजिए। एंटर एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब हमें एंट्री करनी है सैलरी ड्यू करानी है, यानी हमें सैलरी ड्यू कराना है। तो सैलरी ड्यू कराने के लिए एंट्री करेंगे पेरोल वाउचर में। पेरोल वाउचर में अब सैलरी ड्यू करानी है, सैलरी ड्यू करानी हो, इंसेंटिव ड्यू करानी हो या पीएफ ड्यू करानी हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा किस चीज़ का आपको पेमेंट करना है, तो हमें सैलरी का करना है। यहाँ पे सैलरी लेंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सबकी सैलरी ड्यू हो जाए, तो यहाँ पे ऑटो फिल के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट ए प्रेस करेंगे। और यहाँ हमें किस चीज़ का हमें डिफाइन करना है, तो सैलरी का, यहाँ सैलरी ले लेंगे। कब से कब तक का, तो यहाँ क्वेश्चन में कहा होगा 1/10 से 31/10, यहाँ पे 1/10 ले लेंगे और 31/10 प्राइमरी कॉस्ट कटेंगे, ऑल आइटम इंक्लूड, ये देखिए पीएफ कटेंगे। अब देखिए जिसकी सैलरी 12,400 से ज़्यादा हो, 15,000 से ज़्यादा, उनकी पीएफ कितना कटेगा 1800, और जिनकी सैलरी कम हो उनका कितना कटे सिर्फ ही नहीं, ये देखिए इनकी भी सैलरी कट गई। ये हमारी सैलरी डिफाइन होगी, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें पीएफ करना है, तो अगेन आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस बार पीएफ पेबल ले लेंगे। अगेन ऑटो फिल के लिए अल्ट ए प्रेस करेंगे। अब हमें किस चीज़ का करना है, तो पीएफ का, तो यहाँ पे पीएफ ले लेंगे, इंटर एक्सेप्ट करा देंगे। ये देखिए हमारा पीएफ भी कंट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉयर ने, एक्सेप्ट करा देंगे, ये कंट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारी जो है क्वेश्चन है वो क्या है, 1/11/2016 सैलरी अमाउंट पेड बाई चेक। अब हमें क्या करना है, सैलरी को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की शॉर्टकट की F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट का ये वाउचर खुल गया। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक सबका पेमेंट हो जाए, तो यहीं पर आप ऑटो फिल के लिए अल्ट ए प्रेस करेंगे, अल्ट ए प्रेस करिएगा, सैलरी पेमेंट करना है 1/10 से लेकर 31/10 तक का फैमिली ऑल आइटम, यहाँ पे सैलरी पेबल ले लीजिएगा और ये हमारी सैलरी कट गई। इंटर प्रेस और यहाँ पे चेक नंबर भर दीजिएगा और ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।